ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं अब कॉन्वेक्स मिरर. सो हेडिंग डालिएगा कॉन्वेक्स मिरर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, सो जस्ट इमेजिन दैट देयर इज अ स्फीयर. ठीक है, एक स्फीयर है एंड उसका आप लोग, सो दिस इज अ स्फीयर. आई जस्ट मेक अ स्फीयर. आप लोग एक छोटा स्फीयर भी बना सकते हैं इसमें. ठीक है, नाउ इन दिस जस्ट इमेजिन कि ये अंदर से आप लोग का पॉलिश्ड है. ये पूरा स्फीयर अंदर से आप लोग का पॉलिश्ड है एंड बाहर से इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है. ठीक है, नाउ यू कट अ पार्ट ऑफ दिस स्फीयर. ये जो स्फीयर है इसका एक सेंटर होगा. ठीक है, लेट दिस सेंटर बी सी एंड आप लोग ने इसको एक पार्ट इसका कट कर लिया. ठीक है, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर. ये वाला जो पार्ट है ना, सो व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस वन इज, हमें क्या मिलेगा, एक लाइक दिस. सो दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर है? नाउ जिसमें आप लोग का ये वाला है हमारा पॉलिश्ड सरफेस एंड ये वाला जो इस साइड जो हमारा जो बाहर वाला साइड है, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग साइड. ओके, अब इसमें क्या क्या होता है ये देख लेते हैं. सो आई विल जस्ट मेक वन मोर कॉन्वेक्स मिरर. जहां पे भी आप लोग का लगे जस्ट पॉज इट एंड उसको आप लोग वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं या रिवाइंड कर लीजिएगा. ठीक है, नाउ सो आई एम गोइंग टू मेक वन कॉन्वेक्स मिरर. इसमें क्या क्या मार्किंग होती है ये देख लीजिएगा. एम एन अपर्चर एज सिंपल एज दैट. ठीक है, वी विल अगेन मेक अ प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे हम लोग कॉन्वेक्स कॉन्केव में बनाते हैं सेम प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा हमारा लाइक दिस. ठीक है, लेट दिस बी एक्स वाई. जो सेंटर ऑफ द अपर्चर है दैट इज योर पोल, जहां से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रहा है. सो दिस इज योर पोल. नाउ अब इसमें जो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए कहां है. द स्फीयर जब आपने इसको बनाया, स्फीयर के लिए स्फीयर को जब आपने बनाया तो आपने कंपास का एक पॉइंट कहां पे रखा, आपने कंपास का एक पॉइंट यहां पे रखा एंड उसके बाद आपने इसको इस डायरेक्शन बनाया राइट. सो इसका सेंटर कहां है हमारा, ऑन द राइट हैंड साइड बिहाइंड द मिरर है यहां पर. सो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनेगा वो हमारा इस केस में ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर बनेगा. ठीक है, सो 3-3 सेंटीमीटर जो हम लोग मार्क करते हैं वो आप लोग इसमें राइट हैंड साइड पे इसमें मार्क करेंगे बिकॉज आप लोग को कंपास यही रखना होगा अगर आपको ये वाला बनाना है. सो ये आएगा इसका सेंटर. सो जस्ट मार्क इट एज 3-3 सेंटीमीटर्स. आई एम गोइंग टू मार्क एज 5. ओके, मैं 5 मार्क कर रही हूं टू शो इट टू यू मोर क्लियरली. आप लोग 3 सेंटीमीटर्स मार्क करिएगा. सो दिस इज माई फोकस इन दिस केस. ये रहा हमारा फोकस एंड हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है. नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमारे सिर्फ इसमें दो ही रे डायग्राम्स हैं. ठीक है, एंड जो भी इमेज बनेगी वो हमारी इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगी. वर्चुअल इमेज बनेगी एंड रेज विल अपियर. ठीक है, वो एक्चुअल वहां से नहीं हो रहे हैं, अपियर करेगा चीजें. अभी हम लोग उसको नेक्स्ट देखने जा रहे हैं. ठीक है, सो ये आप लोग का कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखिएगा इसका. इसमें फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर दैट इज बिहाइंड द मिरर. ठीक है, वंस वी आर डन विद दिस
लेट्स कम टू द रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम्स, एंड इसमें सिर्फ दो रे डायग्राम्स आप लोग के टोटल बनेंगे. सो नेक्स्ट आ जाइएगा रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं. रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर, जैसे आपके फोर रूल्स कॉन्केव में थे वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी आप लोग क्या आएंगे. ठीक है, ओके. नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, इसमें देखिएगा कैसे बनाते हैं. सो सबसे पहले ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है यही वाला अपनी कॉपी में बना लीजिएगा. ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऑन द राइट हैंड साइड कॉन्वेक्स मिरर के साथ. चलिए मैं भी वही बना रही हूं एंड यू ऑल्सो मेक दैट, देन आई विल राइट ऑन द रूल्स. XY is the principal axis, MN is the aperture, P is the pole, focus 3 centimeters and center of curvature उसके बाद 3 centimeters ले लीजिएगा. मैंने 5 लिया हुआ है, आप लोग 3 लीजिएगा. focus and center of curvature. ये बन गया, ओके. लेट्स कम टू द रूल्स. पहला रूल मेरा ये कहता है अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो एक काम करते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे एंड इस साइड हम लोग बनाएंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. व्हाई? बिकॉज रिफ्लेक्शन तो इस साइड से होगा ना आप लोग इस साइड वाला पार्ट से. ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हम लोग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे. सो हमारा जो भी रूल चलेगा वो यहीं से, रेस तो आप लोग की लेफ्ट से ही आएंगी. ठीक है, सो अ रे ऑफ लाइट विच is parallel to the principal axis, ठीक है, after reflection क्या होगा यहां पर देखिए, after reflection it appears to diverge from the focus. ये focus पर directly meet नहीं करी है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये focus पे जाएगी. देखिए तो ये जब diverge करेगी, जब ये reflect करेगी तो ऐसा लगेगा कि ये आप लोग के focus से line में आया हुआ है. ये देखिए ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से दैट इट अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लाइक दिस. ठीक है, और एक्सट्रापोलेट हमने क्यों किया, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट बिहाइंड द मिरर. ठीक है, सो इन रियलिटी क्या हो रहा है कि जब वो आप लोग की प्रिंसिपल एक्सिस पे हिट करेगी तो आपके किसी एंगल से ही निकलेगा. यहां से ये जो रिफ्लेक्टेड रे जिस एंगल से निकल रहा है ऐसा लगेगा कि वो आप लोग के डाइवर्ज कर रहा है फोकस से. इन कॉनकेव वो एक्चुअली फोकस से पास करता था, इसमें ऐसा लगेगा कि वो आप लोग के डाइवर्ज कर रहा है फोकस से. यहां पे देखिए, सो राइट डाउन द रूल, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पैरेलल to the principal axis after reflection comma appear to diverge from the focus
appear to diverge from the focus. ठीक है, ये है इसका. सो दिस इज माई फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल देख लेते हैं. रूल नंबर सेकेंड, अगेन जो हम लोग एक बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो बेसिक डायग्राम है ये वाला अपना बनाइएगा. आप लोग बेटा जो बनाएंगे वो आप लोग का रजिस्टर इस तरीके से होता है, तो यहां पे आप लोग बनाएंगे एंड 3-3 सेंटीमीटर्स लीजिएगा. आई एम यूजिंग 5 सेंटीमीटर्स जस्ट टू शो इट टू यू मोर प्रॉपरली. ठीक है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, अपर्चर, इतनी चीजें मार्क हो गई. चलिए करते हैं इसमें. अ रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स, ठीक है, विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस. अब एक ऐसी रे ऑफ लाइट आ रही है जो ऐसा लग रहा है कि वो आप लोग के डायरेक्टली फोकस पे गिरेगी. ठीक है, ये देखिए, आई जस्ट मेक इट विद अ ब्लू कलर. ये देखिए, एक ऐसी रे आ रही है जो कि ऐसा कहां क्या लग रहा है, विच अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आप लोग के आ रही है. दिस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इस केसेस में अपीयर वर्ड जरूर चलता है. ठीक है, सो एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि हमें क्या लग रहा है, कहां से आ रही है, हमारी फोकस से, वो क्या करेगी आप लोग, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस. तो एक ऐसी रे जो कि आप लोग के डाइवर्ज कर रही है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा लग रहा है कि वो डायरेक्टली कहां गिरेगी आप लोग के, फोकस पे गिरेगी. सो दैट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस वाला. राइट डाउन, अ रे ऑफ लाइट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द विच इज डायरेक्टेड A ray of light which is directed towards the focus after reflection becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis. Now, the language which I am using over here, this is your NCERT words. ठीक है, हम लोग NCERT का ही use कर रही हूं, so that आप लोग के school में कहीं पर भी cut ना हो जाए by chance कुछ भी. This is my second rule. So, पहला रूल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से, तो ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रही है, इस तरीके से वो इमर्ज आउट करेगी. सेकेंड है, एक इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है, इट विल अपियर कि वो फोकस से आप लोग के आ रही है. ठीक है, सो दैट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट रूल, ये हमारा एक और रूल हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट लिख देते हैं रूल नंबर थर्ड. चलिए रूल नंबर थर्ड लिखते हैं इसमें. अब फिर से आप लोग जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो आप लोग कर लीजिए.
मेक अ कॉन्वेक्स मिरर राइट हैंड साइड पे फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस. कॉन्वेक्स मिरर पोल मार्क करिएगा. MN इज योर अपर्चर. थ्री थ्री सेंटीमीटर्स मार्क करिएगा आप लोग. फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ इजी रूल है ये भी. अ रे ऑफ लाइट Which appears to be directed towards the center of curvature. एक ऐसी इस एंगल पे आ रहा है कि वो ऐसे लगेगा आप लोग के कहां से आ रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर. लाइक दिस इस एंगल से आ रहा है कि ऐसा लगेगा वो आपको कहां से आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. So, अगर कोई रे इस डायरेक्शन इस एंगल से आ रहे हैं देन दैट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. सो अ रे विच इज एन इंसिडेंट रे जो है आप लोग की इस तरीके से आ रही है दैट इट अपियर्स कि वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर है. सो वो यहीं से जब रिफ्लेक्ट करेगी इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ. Write down. A ray of light which is directed in the direction of the center of curvature. Comma is reflected back along the same path is reflected back along the same path. ये हो गया हमारा रूल नंबर थर्ड. नेक्स्ट आ जाते हैं रूल नंबर फोर्थ. अगेन वही वाला सेम रूल लगेगा जो हमारा ऑब्लिक वाला था बट वी विल नॉट बी यूजिंग दैट रूल. ठीक है. बना लेते हैं. फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करिएगा. ठीक है. नाउ इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द पोल लाइक दिस आई विल मेक इट विद द ब्लू कलर. ठीक है. इट फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द पोल देन इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. At this point of incidence, it will follow law of reflection and will be reflected obliquely from the principal axis. Like this. तो कोई ray principal axis के obliquely directly pole पे आ रही है. So यहां पे आप लोग का ये क्या करेगा
लॉ फॉलो करेगा, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर लाइक दिस. ठीक है, सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. राइट डाउन, इसका रूल लिख लीजिएगा. अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑब्लिकली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस on the principal axis, that is directly on the pole, ठीक है, is reflected obliquely from the point of incidence. From the point of incidence. In this case, the point of incidence is P. Pole wala jo P. Yahan par. Theek hai? Point of incidence. And follows laws of reflection. And follows laws of reflection. That is, angle I is equal to angle R. ठीक है, दिस इज योर फोर्थ लॉ जो हम लोग यूज करेंगे इस केस में. अब जो हम लोग नेक्स्ट इज योर रे डायग्राम्स. नाउ रे डायग्राम्स इज इन दिस केस आप लोग के जो कॉन्वेक्स मिरर में है वो सिर्फ आप लोग के दो रे डायग्राम्स हैं. ठीक है, सो जो हम लोग यूज करेंगे, एक हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज रूल नंबर थर्ड, एंड एक हम लोग रूल नंबर फर्स्ट यूज करेंगे. ये दो रूल्स यूज करेंगे हम लोग. ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. रे डायग्राम्स, नेक्स्ट हेडिंग रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, चलिए इसमें कर लेते हैं. केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट लेते हैं इसमें. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एक तो हम लोग इन्फिनिटी वाला लेंगे. ठीक है, सो व्हेन व्हेन the object is at infinity. एक तो ये वाला हो गया. अब infinity के लिए हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, इस वाले में आप लोग मिरर थोड़ा बीच में ही बनाइएगा. ठीक है, बिकॉज हमारा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द राइट हैंड साइड है एंड ऑब्जेक्ट हमारा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें आप लोग थोड़ा बीच में ही बनाइएगा. ठीक है, बनाइए बेसिक स्ट्रक्चर जो अभी होता है. कॉन्वेक्स मिरर, थ्री सेंटीमीटर्स मार्क करिएगा ऑन द राइट हैंड साइड फोकस एंड देन सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल मार्क करिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस मार्क करिए. नाउ इन दिस केस हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखेंगे यहां पर. ठीक है,
ऑब्जेक्ट क्योंकि हमें भी नहीं दिख रहा है एट इन्फिनिटी है, सो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा बाहर रखा है हमने ऑब्जेक्ट, ये देखिए मैंने बस इतना बड़ा रखा है, ठीक है। सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। नाउ फर्स्ट रूल लगाएंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल में रेज आ रही है हमारी, पहला वाला पार्ट हम लोग यहां पर डॉटेड बनाएंगे, ठीक है, एंड उसके बाद सॉलिड करते हैं। सो ये वाला पार्ट आप लोग डॉटेड बनाएंगे टू शो कि ये कहीं दूर से आ रही है, एंड देन सॉलिड किया हमने। सो रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल क्या होगा इसमें, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। सो ये देखिए यहां से इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो यहां पे क्या करिएगा, एक फोकस का पॉइंट और यहां पे ये जो इंसिडेंट रे जो आया है ये दोनों पॉइंट आप लोग के मैच करने चाहिए लाइक दिस। ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा एंड ऐसा लगेगा कि ये कहां से आप लोग का डाइवर्ज किया है, फोकस से लाइक दिस। बनाइए इतना, सेकंड में भी हम लोग यही वाला यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ अगेन वील यूज, सो अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा सा पहले डैश वाला बनाइएगा एंड देन हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। After reflection, it will appear to diverge from the focus. तो ये ऐसे निकलेगा लेकिन क्या लगेगा कि कहां से आ रहा है आप लोग का, फोकस से, ठीक है। यूज अ शार्प पेंसिल प्लीज। तो यहां पे इमेज आप लोग की कहां बन रही है, दोनों क्रॉस कहां हो रहे हैं आप लोग के, फोकस पे, हेंस इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज आपकी कहां बन रही है, फोकस पर, चाहे आप लोग का कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमारी इमेज कहां बनती है आप लोग की, फोकस, एंड बहुत छोटी इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड। बट इन दिस केस ये बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, तो अगर ये बिहाइंड द मिरर है तो ये आप लोग की इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्यों, क्योंकि ये आप लोग की बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। सो इन्फिनिटी पे होगा सो फोकस पे ही बनता है आप लोगों का, हाईली डिमिनिश्ड बनता है, बहुत छोटा इमेज बनता है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। सो रेडो कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ इमेज फॉर्म्ड, नंबर फर्स्ट लोकेशन देख लेते हैं इसका हम लोग। सो लोकेशन में ये आप लोगों का कहां बना है, एट फोकस। सो लोकेशन देख लेते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। प्लीज यूज अ शार्प पेंसिल इन दिस केस, ठीक है, कि ये प्रॉपरली आप लोग के हमेशा फोकस पे ही आएंगी, जितनी भी जो भी आप लोग का लाइन बनेगा। ओके सो कैरेक्टरिस्टिक्स में इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, नंबर सेकेंड हाईली इमेज इज फॉर्म्ड, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं, इमेज फॉर्म्ड इज पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड। नाउ दिस इज द साइज एंड नेचर देख लेते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो लोकेशन देख लेते हैं हम लोग क्या है, इमेज इज फॉर्म एट फोकस बिहाइंड द मिरर, चलो लिख देते हैं बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्म्ड इज पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड होगा हमारा, एंड इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो बड़ा ऑब्जेक्ट भी आप लोग को छोटा दिखेगा लेकिन सीधा दिखेगा,
इसीलिए इसको हम लोग कार में यूज करते हैं, जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो आप लोग के ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों? दूर से बड़ा वाला ट्रक भी आप लोगों को छोटा मिरर में प्रॉपरली पूरा दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, अभी हम लोग इसका यूज करेंगे, यूजेज अभी हम लोग पढ़ेंगे, देन वी विल राइट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन केस नंबर सेकेंड। When the object is placed anywhere on the principal axis, अब उसे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसमें कहीं पर भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रख देते हैं, अभी तो हमने एक इन्फिनिटी पे रखा था, अब हम लोग क्या करेंगे उसको anywhere on the principal axis रख देंगे। When the object is placed anywhere on the principal axis, तो ये क्या होगा? बनाइएगा आप लोग, मेक अ कॉन्वेक्स मिरर प्रॉपर जो हम लोग बनाते हैं 3-3 सेंटीमीटर्स लेकर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करिएगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस, ये मार्क हो गया आप लोग का। चलिए देखते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट रखेंगे इसमें हम लोग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड एनीवेयर कहीं पर भी रख देते हैं। ठीक है, सो एक हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, क्लियर है? फर्स्ट रूल अगेन लगाते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा लगेगा जैसे वो इमर्ज करी है फोकस से जब रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा फर्स्ट। आई एम नॉट देयर टू चेक इट, सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग का यहां पर एकदम ये हेड से निकलेगा एंड यहां पे जहां से आप लोग का ये मिरर पे टच कर रहा है वहीं से आप लोग को रिफ्लेक्टिव वाला देना, जहां इंसिडेंट रे आप लोग की एंड हो रही है यहां पर वहीं से रिफ्लेक्टेड रे निकलना चाहिए। ठीक है, और वो फोकस से मैच करना चाहिए। फर्स्ट रे हमारा ये वाला लग गया, दैट इज रूल नंबर वन हमने लगाया है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर कर रहा है कि वो फोकस से डाइवर्ज आउट हुआ है। ये करिए, सेकेंड रे देखिएगा, इसमें हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले लगाएंगे, इस तरीके से लेंगे कि वो हमारा ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है हमारी रिफ्लेक्ट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, सो नेक्स्ट ये जो ऑब्जेक्ट का हेड है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये एक ही लाइन में आना चाहिए आप लोग के। सो इस तरीके से इसमें हम लोग लेंगे कि आप लोग की कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस। सो ये इंसिडेंट रे भी है एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑल्सो। एरोज बनाना मत भूलिएगा। ठीक है, नाउ तो हमने दो इसमें बनाए हैं, एक है हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट बिकम्स इट विल अपीयर टू डाइवर्ज आउट फ्रॉम द फोकस, दूसरा है हमारा
डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हिट कर रहा है, ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, ठीक है. सो यू विल सी कि यहां पे आप लोग का एक बनेगा इमेज, यहां पे आप लोग का इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिएगा. लेट दिस बी एज ए एंड बी ऑब्जेक्ट. सो इमेज आप लोग का बिटवीन एफ एंड पी बन रहा है. डॉटेड इमेज बनाइएगा. डॉटेड का मतलब क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वाली डॉटेड इमेज बनाइएगा, ठीक है. आई शुड हैव मेड इट विद अ ब्लू पेन. ये देखिए, ये वाली है एंड ये ए डैश एंड देन बी डैश. वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगा एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ये तीन पॉइंट इसमें होने चाहिए आप लोग के. स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा. सो राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, लिख लेते हैं. नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट इसमें लिखिएगा, इसमें हम लोग नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करते हैं. सो सबसे पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं कहां है. लोकेशन विल बी, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड पी बिहाइंड द मिरर, ठीक है. सो राइट डाउन, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल, बिहाइंड द मिरर. नंबर सेकेंड, साइज. साइज में देखिएगा, इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, ठीक है. सो इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और दूसरा वर्ड इसका है डिमिनिश्ड, ठीक है. थर्ड पॉइंट, नेचर. आप लोग को पता है बिहाइंड द मिरर बना हुआ है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है. सो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. हो गया. ये दो ही आप लोग में रे डायग्राम्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर. सो नेक्स्ट राइट डाउन. अच्छा, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कर रहे हैं. सो सबसे पहले आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर के ही लिखवा दे रही हूं मैं, ठीक है. सो राइट डाउन यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. Uses of convex mirror. Number first, जो सबसे important इसमें है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. It is used as a rear view mirror or a side view mirror. Convex mirror is used as a rear view or a side view mirror in automobiles.
और ये क्यों होता है इसका ध्यान रखिएगा। इसमें दो चीजें आप लोग की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज यूज्ड बिकॉज नंबर फर्स्ट, इसमें जो पॉइंट आएगा, पहली बात तो ये आप लोग को हमेशा इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दे रहा है, तो सीधा दिखेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिकॉज इट गिव्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। दूसरा, दे गिव अ डिमिनिश्ड इमेज, तो पूरा एक ट्रक भी आप लोग को इसमें दिखेगा, फुल ट्रक आप लोग को इसमें, या बड़ी गाड़ी जो है वो पूरी पूरी आप लोग को दिखेगी। इट गिव्स अ वाइडर रेंज, ठीक है, ये आप लोग को ज्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। सो राइट डाउन, इसमें इमेज फॉर्म्ड आर डिमिनिश्ड एंड इट गिव्स अ वाइडर एंड इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। सो यहां पे देखिएगा, हमारा जो मिरर है, ठीक है, गाड़ियों में जो मिरर लगा हुआ होता है, दूर से भी अगर कोई ट्रक या गाड़ी कोई अगर आ रही है, सो उसका आपको क्या मिलेगा, छोटा सा इमेज मिल जाएगा, एंड जो आसपास जो भी कुछ है वो अभी आप लोगों को यहां पे दिखेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन केस ऑफ आप लोग के रियर व्यू या साइड व्यू, जो भी आप लोग के गाड़ियों में जो यूज हो रहे हैं, दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। छोटा दिखेगा, सीधा दिखेगा, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। नाउ जो यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है वो आप लोग का मेन इसी में ही काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। सो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, लिख लीजिए इसमें, राइट इट डाउन। नंबर फर्स्ट, इट इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार्स, कॉमन सर्च लाइट्स एंड टॉर्चेस। इट इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार, कॉमा सर्च लाइट्स एंड टॉर्चेस। नंबर सेकेंड, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट नंबर थर्ड, इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। इट इज यूज्ड एज अ
शेविंग मिरर बाय द बार्बर और बाय द पर्सन जो भी है. नेक्स्ट, इट इज यूज इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस. ये हम लोग ने पहले भी किया है. इट इज यूज इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस टू कलेक्ट द रेडिएशन एट द प्रिंसिपल फोकस. याद है आप लोगों को मैंने बताया था कि सारे पैरेलल रेज जितने भी आएंगे वो इन्फिनिटी से सारे के सारे आप लोग के फोकस पे आएंगे. ठीक है, सो इट इज यूज इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस. ओके, नाउ वन मोर थिंग. ये तो होगा आप लोग के यूजेस. नेक्स्ट इज, जैसे हमारा कॉनकेव मिरर वॉज नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं. क्यों कहते हैं वो देख लेते हैं यहां पर. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इस व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंग मिरर. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज वी आर गोइंग टू मेक अ कॉन्वेक्स मिरर. मेन चीजें बना लीजिएगा आप लोग इसमें, प्रिंसिपल फोकस. सो वी हैव मेड फोकस, वी हैव मेड सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल एम एन. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज कि अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, कोई का रे है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो आप लोग के कहां से डाइवर्ज आउट करिए, फोकस से. तो वो रिफ्लेक्ट किस तरीके से करती है, लाइक दिस. ऐसे ही तो करता है, राइट. सो ये देखिए, ये रिफ्लेक्ट आउट कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक किया लाइक दिस. सिमिलरली एक और ले लेते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है. सो ऐसा लगेगा कहां से आ रहा है आप लोग का, निकल रहा है ये फोकस से. लाइक दिस. ठीक है, एक और रे ले लेते हैं. ये तो अभी हमने दो रे लिया है, एक और ले लेते हैं. आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कहां से आ रहा है आप लोग का, फोकस से. ये देखिए, ऐसा लगेगा फोकस से आया है. ठीक है, एक और रे ले लेते हैं, थोड़ा इधर से ले रहे हैं हम लोग. प्रिंसिपल एक्सिस से है. ठीक है, ऐसा लगेगा फोकस से निकल रहा है. सो अब यहां पे देखिएगा, बिकॉज बहुत सारी रेज हो गई हैं, ध्यान से देखना. जो ब्लैक कलर की रेज हैं, जो मैं मार्क कर रही हूं 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 and 4, ये वाली. दीज ऑल आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और जो रिफ्लेक्टेड बैक है, बाहर जो निकली उसको हम लोग ABCD मार्क करेंगे. ठीक है, ABC
सी एंड डी. ये देखो कैसे बाहर की ओर ये आउटवर्ड ऐसे निकल रहा है, राइट. सो ये आप लोग का ये मिरर क्या कर रहा है, जो पैरेलल रेज है उसको क्या करा रहा है, ये ऐसे डाइवर्ज करा दे रहा है. हेंस दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग मिरर, बिकॉज जितने भी इनकमिंग रेज है उसको ये क्या करा रहा है, डाइवर्ज आउट करा रहा है. ठीक है. सो आप लोग में ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर. ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा. नाउ एक और छोटा सा हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन एंड उसका हम लोग आंसर करेंगे. हमने अभी तक तीन मिरर्स पढ़े हैं, राइट. कौन कौन से पढ़े हैं? एक हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा, एक हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है, और एक हम लोग पढ़ते हैं, एक हम लोग ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तीन हम लोग ने चीजें पढ़ी हैं. अब अगर आपको ये तीन मिरर यहां पे हम लोग रख दें, ठीक है, एंड आई आस्क यू दैट विदाउट टचिंग आपको ये बताना है कि ये तीनों मिरर कौन से हैं. ठीक है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर, अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम. ये आप लोग का क्वेश्चन है. सो इसमें आप लोग का आंसर क्या होगा, अब हम लोग वो करने जा रहे हैं. ठीक है, सो राइट इट डाउन, लिखिएगा. क्वेश्चन है हाउ टू डिस्टिंग्विश between a plane mirror, comma, a concave mirror, and a convex mirror without टचिंग देम. ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर लिखिएगा इसका. इसमें आप लोग क्या करेंगे, दैट यू विल ब्रिंग द मिरर क्लोजर टू योर फेस. ठीक है, ब्रिंग द मिरर closer to the face and if the image is so आप लोग ने पास लेके आए फेस के और उसमें इमेज देखो कैसे बनेंगी. इफ द इमेज इज इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज एंड इरेक्ट, सीधा बन रहा है और सेम साइज है, देन इट इज अ प्लेन मिरर. इक्वल इन साइज एंड इरेक्ट, देन इट इज अ प्लेन मिरर. सेकेंड, इफ द इमेज इज लार्ज एंड इरेक्ट, जब आप लोग एकदम पास लेके आ जाएंगे, ठीक है, सो द इमेज विल बी लार्जर एंड इरेक्ट. इफ द इमेज इज large and erect, then it is a concave mirror, क्योंकि ये between F and P हो जाएगा object जो रखा जा रहा है. ठीक है, तो एकदम जब पास लेके आओगे so behind the mirror virtual image बनेगी लेकिन larger than the object बनेगा. ठीक है, larger than your face. ठीक है, next if the image formed is smaller and erect, छोटा बनेगा
एंड सीधा बनेगा, देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज हमने अभी केस टू किया है, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आप उसको रख लीजिए, आपको स्टिल वो क्या बनेगा, छोटा ही मिलेगा, इट इज स्मॉलर, हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट और स्मॉलर देन द अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ये क्वेश्चन है आप लोगों का। डन? नाउ अभी हमारा कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर खत्म हो गया है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट इसका है, मैं अभी आप लोग को आई जस्ट शो यू सम शीट्स, ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके एंड नोट डाउन कर लीजिए ये वाला पार्ट। सो इसमें हमने क्या बताया है, हमने जो मिरर अभी हम लोग ने पढ़ा है, अपर्चर पढ़ा था MN, अभी हर जगह हम लोग ने अपर्चर पढ़ा है इसका, राइट? सो अपर्चर क्या होता है आप लोगों का, दिस वन MN, जहां से आप लोगों का रिफ्लेक्ट होता है, चाहे बाहर चाहे दिस साइड, वेयर एवर इट इज, ठीक है। सो दैट इज ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड एन अपर्चर। पोल, अभी हम लोग ने पोल क्या पढ़ा था, हमेशा मिरर का जो सेंटर होता है दैट इज नोन एज अ पोल, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट विच इज कॉल्ड द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोग इस वाले में देखेगा, इस स्फीयर का जो सेंटर था वही इस मिरर का भी सेंटर बनेगा, जिसे ये पार्ट से निकला है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये था बेटा कॉन्वेक्स मिरर का, एक कॉन्केव मिरर का देख लीजिएगा, यहां पे बना रही हूं कॉन्केव मिरर का, सो व्हाट वी डू इज अगेन हम लोग एक स्फीयर बनाते हैं एंड हम लोग ये इमेजिन करते हैं ये जो स्फीयर है ये आप लोगों का बाहर साइड से पॉलिश्ड है। पहले मैंने ये बताया नहीं था बिकॉज इतना ये इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है। ओके, ये बाहर साइड से पॉलिश्ड है और अंदर साइड से इसमें रिफ्लेक्टिंग है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। इस स्फीयर से जो आप लोग इस साइड से जो पार्ट काटते हो दिस वन, ये आप लोग का जो बनेगा दिस इज योर कॉन्केव मिरर, बना लीजिएगा ये भी। सो ये इसका यहां पे इसलिए सेंटर आएगा, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स हमारे में अंदर की ओर पॉलिश्ड था, हमने इस साइड से निकाला है कॉन्वेक्स में, इस केस में बाहर साइड पॉलिश्ड है कॉन्केव में एंड हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वही चीज है यहाँ पे। द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, ये जो स्फीयर हमने बनाए हैं, ठीक है, एंड दैट स्फीयर हैज अ सेंटर, दोनों स्फीयर में सेंटर है हमारा, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस किसको कहते हैं हम लोग, इसके बीच में जो स्फीयर का जो ये था ये क्या था हमारा, रेडियस था, सो दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये अभी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड ध्यान रखिएगा इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर में ही लिख दे रहे हम लोग, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का। प्रिंसिपल एक्सिस, मेन जो एक्सिस होती है हमारे स्फीयर की, ठीक है, ये जो मेन एक्सिस जो हमारा स्फीयर का है दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, जिसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आता है एंड फोकस भी आता है एंड पोल भी आता है, ठीक है। सो अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ध्यान रखिएगा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये मिरर में हमेशा नॉर्मल पे आता है, यानी कि ये 90 डिग्री यहां पे बनाता है ये, ठीक है। सो इट इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल, जस्ट पॉज इट ओवर हियर और ये सारे आप लोग अभी बैठ के लिखिए पहले। ये लिख लिया। नेक्स्ट,
थ्योरी लिखिएगा। दूसरा पार्ट अब ये वाला है आप लोग का, लास्ट वाला पार्ट, फोकस। फोकस आप लोग का क्या होता है, जहां से इन्फिनिटी से आपकी सारी की सारी रेज अपेयर करती है, मीट करना, जितनी भी हमारी इन्फिनिटी से आ रही थी वो सारी की सारी कहां आती है, फोकस पे जो मीट करती है हमारी, ठीक है। सो दैट इज नोन एज फोकस। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमेशा क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। सो यहां पे देखिएगा, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर मीट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू मीट दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं यहां पे लिख दे रही हूं आप लोग के लिए, एक्चुअल जब मीट करते हैं वो हमेशा किसमें होता है हमारा, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। एंड अपीयर टू मीट हमारा किसमें होता है हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, इज कॉल्ड द फोकस। नेक्स्ट देखिएगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारा कौन सा होता है बेटा, फोकल लेंथ हमारा बिटवीन एफ एंड पी, ये जो बनता है दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और ये हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, क्यों, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा पूरा है, फोकल लेंथ उसका आधा है, ठीक है। सो ये हमारा एक फॉर्मूले की तरह काम आता है, ये आर बाय टू। कॉनकेव मिरर क्या होता है आप लोग का, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पे देखिएगा, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है, अंदर की ओर है ना, सो दिस इज योर कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में देखिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इट बल्जेस आउटवर्ड, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। अंदर होता है तो कॉनकेव कहते हैं एंड बाहर की ओर होता है तो कॉन्वेक्स कहते हैं। अ स्फेरिकल मिरर हूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की ओर होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये देखिए, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सो दैट इज नोन एज अ कॉनकेव मिरर। इन दिस केस ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूसरे साइड पड़ रहा है, बल्जेस आउटवर्ड करता है, इट इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। पॉज करिएगा इस जगह पर एंड पूरा ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।